खेल पसंद है? क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद रहा। आजकल तो जो हमारी क्रिकेट का हाल है और वर्ल्ड कप के बाद तो बहुत हमारे दिल बहुत टूटे हुए हैं। असल में क्रिकेटर्स ने भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो हमारी सियासत के हालात हैं, हमारी PIA के हालात हैं, तो क्रिकेट टीम उनसे क्यों पीछे रहे? उन्होंने कहा हम भी वैसे ही हो जाएं जैसे सब हैं। PCB के चेयरमैन का ओहदा भी बहुत सियासी हो गया ना भाई। पूरी लड़ाइयाँ लड़ी गई PDM में PCB के चेयरमैन को लाने के लिए। अगर कोई और था उसको रहने देते ना, क्या फर्क पड़ता है? और आने के बाद आपने कौन से चार टन लगा दिए? सरफराज अहमद अच्छे कप्तान थे या बाबर आजम? देखें मेरे ख्याल में मतलब हालात पे भी डिपेंड करता है ना कि किसको कहाँ मौका मिला, किसने कौन सी इंटरनेशनल इवेंट्स खेले। तो एक ऑरेंज को एक एप्पल से कंपेयर ना करें। सरफराज में ही वाज मैन ऑफ द क्राइसिस लाइक आसिफ इकबाल, लाइक जावेद मियांदाद। आपके बच्चे क्या करते हैं और आप चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में आए? मेरे कुल मिला के 5 बच्चे हुए। इनके जो फर्स्ट वेडलॉक्स हैं ना, 3 दो बेटे बेटी, वो इनके फर्स्ट वेडलॉक्स हैं। हमारा अपना कोई इशू नहीं है। 5 लाख दरख्त हैं वो हमारे बच्चे जो इन्होंने लगाए थे। दूसरा जो है वो आपके जो अफशा हैं, वो थोड़ा सा बुटीक फैशन डिज़ाइनिंग में उसका ज़रा इंटरेस्ट है। उसने उसी पे जिसे कहते हैं ना स्क्रीन पे ही काम किया, उसका अच्छा। कोई आउटलेट तो है नहीं, तो उसको उसमें ज़्यादा शौक है। तो मैंने कहा ठीक है इस पर आप काम करें। तो हमारी 2 बेटियाँ हैं। फिर चूँकि बचपन से पली बड़ी अपने मामू के साथ अमेरिका में, तो बड़ी बेटी ने PhD की फिज़िक्स में, इनके बेटे ने भी फिज़िक्स में की, वो कनाडा में। दूसरा बेटा डॉक्टर बना, वो कनाडा में। मेरी दूसरी बेटी ने फिल्म मेकिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में डबल मेजर्स किया। पहली की शादी हो गई कुछ साल पहले, अच्छा। दूसरी की अब होने वाली है। PSL करीब है और साथ में इलेक्शंस भी करीब है, किस टीम को सपोर्ट करेंगे? क्वेटा, कराची? मैं समझता हूँ कि क्रिकेट से सियासत बाहर हो जाए और सियासत से खेल बाहर हो जाए, तो दोनों अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें खुश असलूबी से कर सकेंगे। आप किसी पार्टी को तो नहीं बाहर करना चाह रहे हैं? मैं तो सिंपली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान देखे ना, होता है क्या कि आज किसी के घर में आग लगी, कल किसी और के घर में लगी। तो जब किसी और के घर में लगी थी तो मैं खामोश था, आज मेरे घर में लगी तो लोग खामोश हैं। इस निशान को हटाने की कोशिश की जा रही है। देखें मैं कह रहा हूँ कि जब जिस तरह इख्तदार में आने की सबकी बारियाँ हैं ना, इसी तरह आजमाइशें, इम्तिहान और कसौटी और बुरा वक्त, ये भी सबकी बारियाँ लगती हैं। अब सियासी जमातों को समझना है कि भाई अब मुल्क को इस बहरान से कैसे निकालना है, ये है।